नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, एक कहावत है, दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने से किसको खौफ यहाँ। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरीके से वेंकटेश सिटी के मालक किशोर झाम, उनके पुत्र देवांश झाम और उनके अन्य सहयोगी ने मिलकर किस तरीके से विनोद गुप्ता को 1,60,00,000 रुपए का चूना लगाया। लेकिन खास और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद विनोद गुप्ता ने बीसीएन से बातचीत की और बीसीएन से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कई अहम राज खोले हैं जो आपको सुनना चाहिए और इस एपिसोड को पूरा देखना चाहिए कि किस तरीके से विनोद गुप्ता की मुलाकात किशोर झाम से कॉमन फ्रेंड के जरिए होती है। एक प्लॉट को बेचने के सिलसिले में प्लॉट का सौदा तो नहीं हो पाता, लेकिन किस तरीके से दोनों दोस्त हो जाते हैं, मिलना जुलना शुरू हो जाता है और सिलसिला कैसे 1,60,00,000 रुपये का चूना लगाने तक पहुँचता है, वो सब कुछ आप जरूर सुनिए। तो जमीन का सौदा तो नहीं हुआ जी, मगर उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लगा, फिर हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। वो कॉमन फ्रेंड और हम तीनों आपस में मिलते थे, साथ में खाना पीना होता था, तो करीब करीब दोस्ती बहुत गहरी हो गई। इन्होंने फिर मुझे अपने बुट्टी बोरी का साइट दिखाया जो बहुत बड़ा है, फिर बेसा ले गए, जो पूरी कॉलोनी इन्होंने बनाई है, बोले साहब मेरी कॉलोनी है, उमरेड रोड दिखाया, मतलब आप ये समझ लीजिए दिखाया। और ये करीब करीब अंदाजा बोले कि ये 500 करोड़ रुपए का माल है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि यार इतना बड़ा आदमी मेरा दोस्त है। मुझे लगा ये बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसलिए कभी भी मेरे साथ गलत नहीं करेगा, ये मैं सोच के विश्वास किया। यानी कि जो चीज़ें आपको दिखाई गई, जैसे बड़े बड़े उसके साइट्स थे, कंस्ट्रक्शंस थे, तो वो सब दिखाने के पीछे तो शायद ये रीज़न होगा कि कहीं नहीं कहीं वो बताना चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हूँ या फिर मेरे पास बहुत बड़ा वर्थ है, जिससे आपको ट्रस्ट हो। यानी कि ये सब कुछ एक चाल ट्रस्ट दिलाने के लिए किया गया, ऐसा बोल सकते हैं? हो सकता है उनके मन में वही हो, लेकिन मैं बहुत जल्दी भरोसा करता हूँ और मैंने किया उस पर भरोसा। सर, ये सब कुछ ठीक है, दोस्ती हुई, घूमे फिरे, कॉमन फ्रेंड्स में फिर घनिष्ठ मित्रता हो गई, आपने उनके प्रॉपर्टी के बारे में जाना, देखा, आपको गर्व भी महसूस हुआ कि मेरा दोस्त है, वो भी ठीक है। अचानक से कॉर्बिट क्रिप्टो कॉइन, ये कैसे मतलब बीच में आया? अचानक से ऐसा हुआ कि ये बार बार मुझे कोई एक लिंक भेजते थे झूम मीटिंग की जी, और बोलते थे वो देखो, मेरे पास वो समय ही नहीं रहता था देखने को। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा तुम आ जाओ ऑफिस में, मुझे इन्होंने रामनगर ऑफिस में बुलाया जी। रामनगर ऑफिस में मैं शाम को करीब करीब 6:30-6 बजे पहुँचा होऊँगा जी, तो वहाँ ये लोग सब बैठे हुए थे, चारों पांचों लोग, और भी 3-4 लोग थे, काफ़ी लोग थे, मैं जानता नहीं। वहीं मेरी अजय बत्रा जी से परिचय हुआ, वहीं पर मेरा संतोष लांडे मंगल तिवारी से परिचय हुआ। तो इन लोगों ने मेरे को प्लान समझाया कागज़ पे बना के और बताया कि ऐसा सब प्रॉफिट हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं, तो फिर भी मुझे यकीन हुआ ही नहीं क्योंकि मैं ये सब चीज़ों पे जल्दी नहीं भरोसा करता। तो किशोर झाम ने ये बात मुझे पर्सनली कही कि ये जो कंपनी के मालिक हैं, मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है उनके साथ में, मैं पिछले 1-1.5 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूँ इसका फॉरेन एक्सचेंज का, और उन्होंने मुझे करोड़ों रुपये कमा के दिए हैं, बंदा बहुत व्यवहारिक है, तो आप उसका टेंशन मत लो, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपका पैसा नहीं डूबेगा और मैं जिम्मेदार हूँ मेरे पैसे। उन्होंने जब इतना बोला तब मुझे यकीन आ गया। हालांकि मतलब ऐसा है कि पहले आपको तो पता था कि इतना बड़ा आदमी है, पहले से बहुत लैंडलॉर्ड है, पैसे वाला है, तो फिर ये गारंटी ले रहा है, तो आपने इस सोच के शायद आपने ट्रस्ट कर लिया। तो सर, पहली बार सर जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो अमाउंट कितना था जब पहली बार आपने दिया? मैंने पहली बार दिया 11,38,000 रुपये। अब वो उस समय तो मेरे पास वो भी पैसे नहीं थे, वो मैंने मेरे दोस्त से मंगवाया और उनको दिया जी। वो देने के बाद में उन्होंने बोला अरे क्या, एक उन्होंने बड़ा प्लान बताया जिसके अंदर मिनिमम 1,60,00,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। ओके, तो उसके लिए मेरे को फोर्स किया और वो मैंने फिर किया। तो सर, कभी आपने ऐसा नहीं बोला कि इतना सारा रकम एक साथ देने से अच्छा पहले आप 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, अगर ये डबल हो जाए तो फिर हम ज़्यादा करेंगे, इस तरह की कोई बातें आपने नहीं किया? उन्होंने बोला कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो 12 लाख रुपए की कार मिलती है, अब जो भी इन्वेस्ट करता है।
1,60,00,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 12 लाख की कार आपको मिलेगी के तौर पे या फिर या 12 लाख आप डिस्काउंट ले लेना, वो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो वो ये लालच दे के उन्होंने मेरे से एक साथ इन्वेस्टमेंट कराया। सर बीच में एक ये भी खबरें आई जो जानकारी हम तक है कि आप उनका कोई सेमिनार हुआ था एयरपोर्ट के पास में और वहाँ आप गए, आपको बुलाया गया और आपसे झूठ भी बोलने को लगाया गया, तो वो क्या है मामला? सर ये होटलों में सेमिनार लेते हैं, वहाँ पे 400-500 लोगों को बुलाते हैं। अच्छा। और लोगों को वही प्लान समझाते कॉर्बिट के बारे में और बताते, फिर हमारे जैसे इन्वेस्टर को बोलने लगा था कि आप बोलो कि भाई हम भी आपके तरह हैं और हमको इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। मैं बोला भाई ऐसा कैसे बोले, नहीं बोले बोल दीजिए ना क्या लगता है, हमने बोल दिया। दोस्तों सारी सच्चाई आप खुद विनोद गुप्ता की जुबानी सुन रहे हैं BCN पे, लेकिन इस सब कुछ के दौरान एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी अन्य लोग हैं विनोद गुप्ता के अलावा जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने आना चाहिए और अपनी बातों को खुलकर रखना चाहिए जैसे विनोद गुप्ता ने रखा है। BCN ऐसे फ्रॉड करने वालों के खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाते आया और आगे भी उठाएगा। तो आपके जैसे और भी कई लोग हो सकते हैं जो कॉर्बिट क्रिप्टो कॉइन जो है इस चक्कर में किशोर झाम और उनका साथियों के साथ में फंसे होंगे, क्या शंकाएं हैं आपको? बहुत लोग फंसे हुए हैं साहब, बहुत लोग। अच्छा। जिनमें कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूँ, लेकिन ये मामला ऐसा है कि कोई खुलकर सामने नहीं आता और उसकी क्या वजह है मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाता। हो सकता है एक तो इनका किशोर झाम का डर हो, दूसरा इसके अंदर में लोग ज़्यादातर नकद पैसा लगाते हैं और इनकम टैक्स का खतरा हो सकता है, और तीसरा कोई आदमी जल्दी से पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, ये भी डर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मतलब लोग सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। मेरी तो सबसे अपील है कि आना चाहिए जी। और ऐसे गुनाहगार को तो कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। जब आपने पैसा मांगा तो क्या आपको मतलब जो सुनने आए कि जान से मारने की भी धमकी वगैरह मिली है कि भाई तू ऐसा करेगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसमें क्या? धीरे धीरे उनकी जबान बदलने लगी, पहले बोलते थे पैसा दे दूंगा जी और थोड़ा रुक जाइए, फिर धीरे धीरे बोले कि मेरा भी पैसा डूब गया, कंपनी डूब गई, मैं क्या करूँगा। मैंने जब ज़्यादा बोला तो फिर मुझे धमकी देने लगे। आपके तो खैर 2-3 साल पुरानी आपकी दोस्ती भी रही है ऐसा बोल सकते हैं। एक किशोर झाम के बारे में ये भी मामला आया कि कलमना पुलिस थाने में कोई इससे पहले भी एक शिकायत हुई थी और उस शिकायतकर्ता ने जब कुछ किया था तो उस समय जब एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करना चाह रहा था पुलिसकर्मी तो उसको ही किशोर झाम ने अपने पैठ की वजह से फंसा दिया गया था, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये जब किस्सा हुआ तब तो मुझे पता नहीं चला था, लेकिन हाँ बाद में मुझे ज़रूर पता चला था कि उन्होंने बत्रा जी के ऊपर में पुलिस वालों के ऊपर में उल्टा FIR कर दिया था। कभी आपको ऐसा उन्होंने कहा कि मेरी पुलिस में बहुत पहचान है अगर तुम ऐसा कुछ करोगे? हाँ तो उन्होंने मेरे को बोला ये बात कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं उल्टा तुम्हें फंसा दूंगा बोले, और तुम्हें इतने डंडे पड़ेंगे बोले इस उम्र में तुम सहन नहीं कर पाओगे। मतलब ये बोल थे दोस्त? हाँ, के साथ में दोस्त के बोल तो कभी होती नहीं, लेकिन उनके बोल इस तरह से बदलते चले गए। जी जी। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि मेरी पुलिस में बहुत अच्छी पहुँच है, जी ऐसा जी जी। अच्छा, अभी पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं आप नागपुर पुलिस से? मुझे सर पूरी उम्मीद है कि पुलिस न्याय दिलाएगी मुझे जी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और कानून से भी उम्मीद है कि न्याय दिलाएगी। अच्छा, इस बीच में देवांश झाम जो किशोर झाम के लड़के हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ? जबकि मतलब एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि पिता और पुत्र यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल के इस तरीके का काम कर रहे हैं, जनरली ऐसा होता नहीं, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। तो पुत्र जो है देवांश झाम उसका कैसा इन्वॉल्वमेंट था इसमें? देखिए आजकल की जनरेशन कंप्यूटर में एक्सपर्ट होती है जी, तो देवांश के पास हमेशा लैपटॉप होता था, वो प्लानिंग लैपटॉप पे दिखाता था। और मंगल तिवारी के पास भी होता था जो आपने? मंगल तिवारी के पास भी होता था जी, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मंगल तिवारी दिखाता रहता था। यानी कि दोनों देवांश और मंगल तिवारी ये लैपटॉप पे। अच्छा। नई नई आइडिया बनाते रहते थे, आईडी बना बना के देते थे, 6 डिजिट के नंबर होते थे, $7,000 की एक आईडी होती थी करीब करीब। आपको लैपटॉप की जो चीज़ें वो दिखाते थे तो क्या आपको ये समझती थी कि क्या दिखा? नहीं, मुझे कुछ नहीं समझता सर, मुझे खुद भी इवन मोबाइल भी अच्छे से ऑपरेट करना नहीं आता जी, मैं तो ये जो बोलते वो सुन लेता था। अच्छा, और संतोष लांडे करके एक और अपराधी है इसमें, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा सर? लांडे जी भी बस वहीं बैठे रहते थे, वही सब करते थे, कई बार हमने कैश वगैरह दिया तो कभी तिवारी जी, कभी लांडे जी, कभी देवांश, इन लोगों के हाथों में दिया, जो हाजिर रहा उसको दे देते थे।
1,60,00,000 में आपने कितना अकाउंट में डाला होगा एक अंदाज? हमने 95 लाख रुपए बैंक से आरटीजीएस किया। अच्छा, ये सभी झाम देवांश और किशोर झाम के अकाउंट में ही थे क्या? नहीं, किशोर झाम ने अपने मोबाइल से हमको कुछ अकाउंट नंबर भेजे। अच्छा। और बोला कि इस अकाउंट में आप पैसा डालिए, हमने उस अकाउंट में डाल दिया। अच्छा, और बाकी कैश दिया आपने? बाकी कैश दिया थोड़ा थोड़ा करके। फिर्यादी हे किशोर झाम यांच्या ऑफिसमध्ये पैसे मागण्याकरता गेले असता त्यांनी त्यात जीवे मारण्याची धमकी दिली, अशा फिर्यादीवरून गुन्हा नोंद झालेला आहे। आणि आमच्या अटकेमध्ये किशोर झाम, देवा झाम आणि सदानंद लांडे दिनांक 26/8/2023 पर्यंत PCR-ला आहेत। आणि पाहिजे आरोपी मंगल तिवारी आणि हबीब हे फरार आहेत। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ विनोद गुप्ता जी, जो खुल के सारी सच्चाई उन्होंने बताया, और पुलिस से उम्मीद करते हैं कि इनके साथ में न्याय हो, और जितने और भी लोग हैं इनके जैसे जो इसमें फंसे हैं या फिर पैसा लगाए हैं, उनके साथ में अगर फ्रॉड हुआ है तो खुलकर सामने आए, ताकि एक इन्वेस्टिगेशन में एक मदद हो और उनके साथ में न्याय दिलाने में पुलिस एक काम कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह, ABC News।